एक ओर नागिस्तान है, तुम्हारे माता पिता हैं। और एक ओर तुम्हारा प्यार, चुनाव तुम्हारा, फैसला भी तुम्हारा। I love you, इच्छा। क्या तुम मेरी जीवन साथी बनोगी? मुझसे शादी करोगी? देखो, जो मेरे दिल में है मैंने खुलकर कह दिया, अब जो तुम्हारे दिल में है तुम भी खुलकर कह दो। सब तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहे हैं। मैंने तय कर लिया है गुरुजी, मैं अपना प्यार चुन रही हूं। और मेरा प्यार है मेरे माता पिता। जज्बातों में आकर सही कहा आपने माँ, मैं जज्बाती हो रही हूँ। 21 साल से आप लोग मेरे साथ हैं, दुनिया भर का प्यार दिया है आप लोगों ने मुझे, और अब मैं स्वार्थी कैसे बन सकती हूँ? मेरे और आपके रिश्ते पर हजारों मोहब्बतें कुर्बान हैं। तू पिताजी, अब मैं यही रहूंगी आपके साथ, अपने नागिस्तान में अपनों के बीच, क्योंकि मेरी पहचान और मेरा परिवार नागिस्तान ही है। अब तो आधी हो गई यार, इतनी देर कहां चली गई ये लड़की? अरे हटा बबल, हटा रहा है। यो, ओ। ये क्या है? तेरी हालत तो मुझसे भी ज्यादा खराब होगी भाई, चीजों के नाम भी भूलने लग गया तू। कुर्सी कहते हैं इसको। भैया वो तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन आप इसे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? तेरे लिए लाया हूँ, कब तक बिन पहनते की लोटी की तरह यहाँ वहां डोलता रहेगा? आराम से बैठ जाए इस पे, मैं भी तेरे साथ बैठता हूँ, दोनों मिलके इंतजार करते। लेकिन आप इच्छा का इंतजार क्यों करोगे? मैं इच्छा का इंतजार क्यों करूंगा? मैं तो अपनी वॉशिंग पाउडर वाली का इंतजार करूंगा ना, वो भी तो गायब हो गई है। अच्छा भैया एक बात बताइए मुझे, कि दिव्या ऐसे बार बार गायब होती है आपको गुस्सा नहीं आता? नहीं, उल्टा जितनी बार वो गायब होती मुझे अच्छा लगता है। क्यों? अरे जब जब वो गायब होती है ना, मुझे नए सिरे से पता चलता है कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। वो क्या है ना छोटे, दूरियां प्यार बढ़ाती हैं। हाँ यार, बात में दम है। दम कैसे नहीं होगा, अभी अभी सौदंड पेल के आया हूं मैं अखाड़े से। सुन, तुझे और दमदार बातें सुननी है क्या? ठीक है, मैं 200 दंड और पेल के आता हूँ, तब तक तू इच्छा का बैठ के इंतजार कर, ठीक है? कब तक बाहर रहोगी इच्छा?
आज मैं तुमसे मिले बगैर यहां से हिलने नहीं वाला हूं। अच्छा बेटा, इतने दिनों बाद तू घर आई है, बोलो कौन सा मिष्ठान खाओगी? मिष्ठान? अब मुझे मुझे नहीं बता पाओगी इच्छा। अगर तू वाकई में खुश होती ना तो मिष्ठान का नाम यूं जुबा पर आ जाता, लेकिन तुम तो माँ, मैंने कहा ना मुझे यही रहना है और मैं यहाँ खुश हूँ। बस सबकी याद आ रही थी। क्या हुआ इच्छा? इंसानी बस्ती की बहुत याद आ रही है। आदत हो गई है ना, इसीलिए। गुरुजी, मैं सिर्फ एक बार वहां जाकर आ सकती हूँ। सबको आखिरी बार मिलकर, उन्हें अलविदा कहकर। जाना है तो हमेशा के लिए जाओ, हमेशा के लिए जाओ, हमेशा के लिए जाओ। इच्छा, आज तुमने फिर अपनी अच्छाई और अपने त्याग से हमारा दिल जीता है। तुमने अपने प्यार को छोड़कर हमें चुना और इसलिए तुम्हें एक उपहार देना चाहते हैं। और वो उपहार है, एक ही समय में तुम नागिस्तान और बबल दोनों से रिश्ता जोड़ सकती हो। हम तुम्हें बबल से शादी करने की अनुमति दे रहे हैं। मतलब गुरुजी, मैं वाकई में बबल जी से? लेकिन कैसे? आज से 3 दिन बाद पूनम की रात है, हम एक विधि करेंगे, उसके संपन्न होते ही तुम नागिन होने के बावजूद बब्बल से शादी कर सकती हो। सच? माँ, अरे वाह, क्या बात है नगोमी दे, आपने बबल को सुला दिया। फटाक से अंदर भाग जाता हूँ, चांद छूटेगी। अरे इच्छा, तू यहाँ? मैं तुझे पूरे घर में ढूंढ रही थी। चल जल्दी चल। कहाँ? रसोई घर में चल, खाना बनाना है। अच्छा तो आप बना लीजिए ना। मैं खाना बनाऊंगी तो तू क्या करेगी? खाऊंगी। क्या? अब वो दीदी, मुझे तो खाना वाना बनाना आता नहीं है, तो फिर मैं आपके साथ जाकर? झूठ मत बोल। पिछले हफ्ते अप्पू के लिए मूंग की दाल का हलवा किसने बनाया था? वो तो इच्छा ने बनाया था ना। तो तू कौन है? मैं इच्छा ही हूँ दीदी, मैं बस आपके साथ मजाक कर रही थी। चुप, बहाना मत बना, चल। इच्छा, अब क्या खाना भी बनवाओगी मुझसे? नागोमी देव तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेंगे। सोच क्या रही है, चल जल्दी। चलो। इच्छा, एक और इच्छा, दो दो इच्छा। मम्मी, मैं आपसे कब से कह रहा हूँ मुझे खाना बनाना नहीं आता है, फिर भी आप जबरदस्ती मुझे क्यों ले जा रही हैं? अब्बू, तू यहाँ कैसे? मेरे पीछे तो इच्छा थी।
इच्छा आपके पीछे नहीं, वो तो आपके सामने खड़ी है, वो देखिए। नहीं अप्पू, मैं मम्मी आप मुझे अपने हेल्प के लिए रसोई घर ले जा रही है ना, लेकिन मैं आपके किसी काम नहीं आऊंगा। खाना बनाना तो दूर की बात है, मैं सारा खाना बिगाड़ दूंगा। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, यह इच्छा थी, मैंने उससे बात की, उसने मुझे जवाब दिया, इच्छा की जगह अप्पू कैसे हो सकता है, पता नहीं मेरे दिमाग को क्या हो गया है। बाल बाल बच गए वाकू, वरना आज तो पकड़े ही जाते। एक और अप्पू। ओ वाकू भैया ही हो सकते हैं। वाह भैया, आज अप्पू बने हो। वैसे लुक वुक तो परफेक्ट है, लेकिन बोलते समय मेरा एटीट्यूड संभाल लेना। अप्पू अब कुछ संभालने की जरूरत नहीं है, वो मजबूरी थी इसलिए अप्पू बनना पड़ा। अब इच्छा जल्दी अंदर चलो और अदला बदलिया खेल खत्म करो। चलो वाकू 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 वाकू। मैंने कहा था ना तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा होगा, हो गया ना, अब तो खुश हो? बहुत खुश, अगर मेरा बस चले ना तो मैं पूछ पर खड़ी होकर नाचू। वाकू अब वक्त आ गया है, मुझे बब्बल जी से अपने दिल की बात कहनी है। अरे तो जाओ ना, अभी बोल दो। अरे नहीं वाकू, ये सब इतना आसान नहीं है, मुझे तो डर लग रहा है, दिल जोरों से धड़क रहा है। इच्छा बेकार में इतनी चिंता कर रही हो तुम, जाओ और खुलकर बोल दो कि बब्बल जी मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, क्या आप मेरे फन में अपने नाम का सिंदूर भरोगे? अरे अब खड़ी क्या हो, चलो बोलो 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 जाओ। बब्बल जी बब्बल जी, मैं आपसे कुछ कहने आई हूँ, आप मेरी बात सुन रहे हो ना? वैसे तो ये बात आपसे छिपी नहीं है, लेकिन फिर भी आज मैं खुलकर आपसे कहना चाहती हूँ कि मैं आपसे बहुत नहीं, सिर्फ बहुत नहीं, बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ मैं आपसे। बब्बल जी मेरे साथिया, तुम सोचा था आज तुमसे एक एक सवाल का जवाब लूंगा, लेकिन नहीं, अगर तुम मुझसे कोई बात छुपा रही हो तो मतलब साफ है, तुम मुझे अपना मानती ही नहीं। ऐसा नहीं, अब मुझे तुमसे कुछ नहीं पूछना है, अच्छा बल्कि मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। लेकिन मुझे आपसे एक बात कहनी है। क्यों, जब मैं बात करना चाहता हूं तुम दूर भागती हो, अब जब मैं कह रहा हूं तो अजीब हो तुम। लेकिन बबल जी वो मैं अब देखिए, आपका गुस्सा बिल्कुल जायज है, लेकिन मुझे 2 मिनट दीजिए, मेरी बात सुनिए, आपकी सारी शिकायतें अपने आप दूर हो जाएंगी। अच्छा अब मुझे कुछ नहीं सुनना है आज से, ना मैं तुमसे कुछ पूछूंगा ना तुम्हें मुझे कुछ बताने की जरूरत है। लेकिन नहीं तो नहीं, क्या बब्बल जी फिर गुस्सा हो गए? अब मैंने कैसे, मैंने कहा था वाकू से ये इतना आसान नहीं है। अच्छा 5 शब्द, सिर्फ 5 शब्द ही तो बोलने थे, मैं आपसे प्यार करती हूँ उतना भी नहीं बोल पाई तुम। नहीं बोल पाई, जुबान भारी हो गई थी, 5 क्या 1 शब्द बाहर नहीं आ रहा था। वाकू
ऐसे तो मैं बब्बल जी को हजारों बातें बोल सकती हूँ, उनसे लड़ झगड़ सकती हूँ, लेकिन इस मामले में कुछ हो जाता है, अजीब सा डर लगने लगता है, पता नहीं क्या होगा मेरा, कैसे बोलूंगी मैं बब्बल जी से। आसान है, एकदम आसान है, मेरी आंखों में आंखें डालो और जो कहना चाहती हो कह दो। बब्बल जी आप? हाँ अच्छा, अब और देर मत करो, कह दो अपने दिल की बात। बबल जी, मैं आपसे। क्या आपसे? कितना अकलाती हो तुम, बोलो ना। नहीं वाकू, ऐसे काम नहीं बनेगा, तू तो बबल जी का रूप ले लेगा, लेकिन मुझे तो अंदर से पता है ना, मेरे सामने बबल जी नहीं तू है। वाकू, तेरे सामने तो मैं बोल दूंगी, लेकिन जब फिर तो एक ही उपाय है, मैं इच्छा बनकर बबल के सामने जाता हूँ और जो तुम बबल को नहीं बोल पा रही हो वो मैं बोल देता हूँ, समस्या खत्म। नहीं वाकू रुक, मैं नहीं रुकने वाला, आज बबल को तुम्हारे दिल की बात पता चल कर रहेगी। वाकू बबल जी, अब क्या है? अब मुझे आपसे एक बात कहनी है। यार तुम कुछ कहती तो हो नहीं, बस बात कहनी है बात कहनी है। बबल जी हाँ, ऐसा मत कर वाकू, कुछ मत बोल बबल जी से, मेरा प्यार मेरे जज्बात उन्हें मुझे ही जाहिर करना है, ये मेरा हक है। मैं आपसे क्या किसी भी लड़की के लिए किसी को अपने दिल की बात कहना वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा पल होता है, मुझे वो पल जीना है वाकू, डर लगता है लगे, जान जाती है जाए, धड़कने बढ़ती है बढ़े, लेकिन वो बात सब बबल जी से मैं ही कहूंगी। तू यहाँ है? मैं तुझे ही ढूंढ रही थी, चलो मेरे साथ चल। ए अम्मा एक मिनट, इसे मुझसे कुछ बात करनी है, वो उसे करने दो ना, फिर इसे जा लेके जाना है ले जाना, बोलो। अच्छा अब नहीं, अभी नहीं, बाद में। अरे अरे पहले आंटी जी का काम कर लेती हूँ, हम तो बाद में भी बात कर सकते हैं ना। अब बोलिए आंटी जी कहाँ चलना है? चक्की में गेहूं पीसना है। गेहूं पीसना है? लेकिन वो तो मुझे आता ही नहीं है। अरे बहुत आसान है, देखो गेहूं मैं तुझे दूंगी, बस तू उसे चक्की में ऐसे ऐसे डालना और ऐसे ऐसे करके पीस लेना, हो गया। चलो चलो। अच्छा 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 अच्छा, धन्यवाद नागुमी देव जी, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली, अब मैं अपने दिल की बात बबल जी से खुद कहूंगी, लेकिन कैसे कहूंगी, सामने आती हूं तो बोलती बंद हो जाती है। हाँ बोल नहीं सकती, लेकिन लिख तो सकती हूँ ना।